फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्हाट्सएप रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी सैंडविच। तो इसके लिए हमने लिया है बॉयल आलू, एक बड़ा वाला आलू लिया है। तो इसे हमने मैश कर दिया है। तो इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके साथ लिया है ककड़ी या कुकुम्बर, खीरा, जो भी आप इसे कहते हो। साथ में एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्च, प्याज, एक छोटा साइज का प्याज। इसके साथ डाल रहे हैं नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। चाट मसाला से भी बढ़िया सी टेस्ट आएगी। थोड़ा सा मैं इसमें ओरेगानो डाल रही हूँ और ग्रीन ग्रीन धनिया। अभी इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। और इसके लिए मैंने जो ब्रेड लिया है वो आटा ब्रेड लिया है। आपको जो भी पसंद है तो आप आपके पसंद के हिसाब से ले सकते हो, मैदा वाला ब्रेड या आटा वाला ब्रेड। पर आटा वाला ब्रेड ज़रा अच्छा होता है तो इसलिए मैंने आटा वाला लिया है। आपके घर में पसंद के हिसाब से आपको लेना है। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अभी जो स्टफिंग हमने भरनी है वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिए हैं। तो इसे हम साइड पर रखते हैं। और ये आटा वाला हमने ब्रेड लिया है। तो जो दो स्लाइस है इसे हम ग्रीन चटनी लगाते हैं। आपको जैसे ही पसंद है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। इस तरह से इसे हमें अच्छी तरह से कोट कर देना है तो टेस्ट एकदम बढ़िया सी लगेगी। इस तरह से मैं दोनों को लगा लेती हूँ। अभी इस तरह से दोनों ब्रेड को हमने लगा दिया है। तो अभी इस तरह से हम इसे स्टफिंग करते हैं। इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अभी इसे हमने अच्छी तरह से कर लिया है तो इसमें हम अभी डालते हैं, अभी इसमें हम चीज़ डालते हैं। आपके पसंद के हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हो, कम ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है घर में कैसे आपके खाते हैं। इस तरह से अभी इस तरह से हमने चीज लगा दी है। तो अभी जो दूसरा ब्रेड हमें ऊपर रखना है इसको मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों को मैं लगा लेती हूँ। अभी दोनों ब्रेड को हमने लगा दिया है तो इस पे हम डालते हैं चिली फ्लेक्स। इस तरह से, और जो ब्रेड हमने टोमेटो सॉस लगाया है वो इसे हम कवर कर देते हैं और चलती है गैस की तरफ। अभी पैन हमने रख दिया है तो इसमें डालते हैं बटर। वहाँ पे एक साइड रख देंगे, उसे साइड पे करते हैं। इस तरह से हम रख देते हैं और इसे हम होने देते हैं। अभी हम ऊपर से इसे बटर लगा देते हैं ताकि हम जब इसे टर्न करेंगे तो बटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप घी में भी कर सकते हो, घी में भी ये अच्छा लगता है, या तेल में आपको जैसे ही पसंद है आप कर सकते हो। अभी धीरे से इसे टर्न कर देते हैं। इस तरह से मैं दोनों को चेंज कर देती हूँ। दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो गए तो इसे हम निकाल देते हैं। इस तरह से सैंडविच हमारे हो गए हैं तो हम इसे अभी कट करते हैं। बीच में से हम कट करेंगे। इस तरह से हम दोनों कट कर लेते हैं। अभी हमने दोनों कट कर लिए हैं तो अभी देख लेते हैं।
क्या बात है, देखिए कितने अंदर से सुंदर लग रहे हैं। दूसरा भी मैं बताती हूँ आपको, तो इसे अभी हम सर्व करते हैं इस तरह से। यम्मी सा सैंडविच बने हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद है तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से जरूर बने। एकदम जबरदस्त है, खाने में एकदम मज़ेदार, छोटे से लेके बड़ों तक सब इंटरेस्ट से खाएंगे। तो इस तरह से जरूर बनाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जरूर बनाइए। धन्यवाद। सबको पसंद आएगा, छोटों से लेकर बड़ों तक। तो इस तरह से हेल्दी सैंडविच जरूर बनाइए। धन्यवाद।